Welcome to our fourth lecture on fiscal policy, budget and taxation, part four. I am Shanky Kothari, Faculty Indian Economy, Kautil Academy. We would be continuing with this fourth part. Previously, we had done our three parts. We will have a very quick revision of the things done till now, and then we will be moving forward. All the blue boxes which you can see on the left side are the things we have done till now, and the green boxes are the things which we would be doing in this and further lectures. We'll have a very quick revision. We started with budget, Article 112, Annual Financial Statement. We divided budget into two parts, receipts and expenditure. Receipt matlab aamdani wala part, expenditure matlab kharcho wala part. We started with receipts, aamdani. Usko fir humne do parts mein divide kara tha, revenue receipts or capital receipts. Revenue receipts matlab that sort of income which once earned need not be returned back, मतलब जो एक ऐसी आमदनी जो कि liability create नहीं करती है. As you can see here, this part we had done revenue receipts. Capital receipts हमने last class में शुरू करा था, उसकी और detail हम देखेंगे. Revenue receipts को फिर दो भागों में हमने divide करा था, one is tax revenue and other is non-tax revenue. टैक्स रेवेन्यू मतलब ऐसी आमदनी जो टैक्स लगाकर कमाई जाए. फिर टैक्सेस को दो पार्ट में डिवाइड करा था, डायरेक्ट टैक्सेस और इनडायरेक्ट टैक्सेस. डायरेक्ट टैक्सेस मतलब ऐसे टैक्सेस जिस पर लेवी हो और उसी की जिम्मेदारी हो उसे जमा कराने की, जैसे इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स. इनडायरेक्ट टैक्सेस मीन्स ऐसे टैक्सेस जो जेब से किसी और की जाते हैं लेकिन उन्हें जमा कराने की जिम्मेदारी किसी और की होती है. फॉर एग्जाम्पल, वी हैव जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्सेस, विच वी हैव टेकन वन एग्जाम्पल, वेन एवर यू पे अ फी ऑफ से कोचिंग इंस्टीट्यूट, तो टैक्स जीएसटी 18% आपकी जेब से जा रहा है, लेकिन इस जीएसटी को जीएसटी ऑफिस में जमा कराने की जिम्मेदारी कॉटेज अकेडमी की है. दैट्स वाई वी कॉल इट इनडायरेक्ट टैक्स. कुछ एग्जाम्पल और इनडायरेक्ट टैक्सेस के जो हमने देखे थे वो है जीएसटी, कस्टम्स और एक्साइज. फिर देन वी टॉक्ड अबाउट द वेरियस हेड्स ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू, ऐसी आमदनी जो बिना टैक्स लगाए सरकार को होती है, जैसे इंटरेस्ट अर्न्ड ऑन लोन. व्हेन अ गवर्नमेंट ने किसी को लोन दिया, उस लोन पर जो ब्याज की आमदनी होगी दैट विल बी रिकॉर्डेड इन नॉन टैक्स रेवेन्यू. जस्ट टू रिमाइंड यू फ्यू थिंग्स, कि जो लोन दिया है उस पर ब्याज की आमदनी वुड बी रिकॉर्डेड अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स. और हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि इस लोन का जब प्रिंसिपल वापस आएगा, जब इंटरेस्ट वापस आता है, दैट इज रिकॉर्डेड अंडर नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट. लेकिन जब जिस दिन इस लोन का प्रिंसिपल वापस आएगा, दैट विल बी रिकॉर्डेड अंडर कैपिटल रिसीट्स. वाई? क्योंकि कैपिटल रिसीट्स में ऐसी आमदनी इंक्लूड होती है जो या तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करके हो या अपने एसेट्स खत्म करके हो, बेच कर हो. चूंकि लोन का प्रिंसिपल गवर्नमेंट के लिए एक एसेट था. क्यों एसेट था? क्योंकि उन्हें इस पर यह इंटरेस्ट की आमदनी हो रही थी. इस इंटरेस्ट की, एक बार उस व्यक्ति ने वो प्रिंसिपल भी वापस चुका दिया, यहाँ पर आई हैव मेंशन्ड इट, प्रिंसिपल भी वापस चुका दिया, तो उसके बाद जो आमदनी हो रही थी इंटरेस्ट पर वो बंद हो जाती है. इसीलिए जो लोन पर मिलने वाला इंटरेस्ट है सरकार को, वो नॉन टैक्स रेवेन्यू में आता है, और इस लोन का जब प्रिंसिपल सरकार रिकवर कर लेती है तो वो कैपिटल रिसीट्स में आता है. इसके बारे में और हम आज क्लास में देखेंगे. दूसरा नॉन टैक्स रेवेन्यू की आमदनी का जरिया था प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स. प्रॉफिट एंड डिविडेंड्स आई एक्सप्लेन कि जब एक इंडस्ट्री को
सरकारी इंडस्ट्री को मुनाफा हो और जब वो मुनाफा सरकार के साथ शेयर करे। और ऐसे ही फीस एंड फाइंस, ये भी सरकार के लिए आमदनी है, टैक्स नहीं है, दैट्स व्हाई नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो दीज आर सम एग्जांपल ऑफ नॉन टैक्स रेवेन्यू। हमने कुछ फिगर्स देखे थे, यहाँ पर भी मैंशन है, जैसे ये 28 लाख या 29 लाख, 28 से 29 लाख के बीच में सरकार को रेवेन्यू रिसीट्स इस साल बजटेड है, अनुमानित है आने की। हमने उसे राउंड फिगर में 28 लाख फिलहाल के लिए माना है, और इसमें से वी हैड सीन कि 8 लाख करोड़ रुपए नीड्स टू बी डिवॉल्व टू स्टेट गवर्नमेंट्स, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेट रेवेन्यू रिसीट्स, मतलब खर्चा करने योग्य जो आमदनी है रेवेन्यू रिसीट्स के थ्रू, वो है 20 लाख करोड़। दैट्स व्हाई आई हैव मेड हियर 28 - 8, दैट इज 20 लाख करोड़, 20 लाख करोड़। इसके बाद हमने फिर रिसीट्स में ही, आमदनी में ही दूसरा पहलू देखना शुरू करा था, दैट इज कैपिटल रिसीट्स। जो कैपिटल रिसीट्स हैं, इसको फिर हमने दो पार्ट्स में डिवाइड करा था, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स की डेफिनेशन होती है ऐसी आमदनी जो कि या तो डेट लेकर कमाई जाए, मतलब उधारी लेकर जो आमदनी आपको अर्जित हो उस पर्टिकुलर साल में, या फिर ऐसी आमदनी जो आप अपने एसेट्स बेच कर कमाएं। जब आप आपके एसेट्स बेच कर कुछ आमदनी कमाएंगे, दैट इज पार्ट ऑफ नॉन डेट, क्योंकि वो आपके ऊपर कोई उधारी नहीं है, वो जो पैसा है वो आपका है, लेकिन आपने आपके एसेट्स बेच कर कमाया है। और एक दूसरा कैपिटल रिसीट का हेड है डेट क्रिएटिंग, मतलब ऐसी आमदनी जो कि उधारी लेकर आप कमाए, डेट क्रिएटिंग। हमने इस पर लास्ट क्लास में बात करी थी, डेट क्रिएटिंग को दो भागों में डिवाइड करा था, एक है बोरोइंग जब आप सीधे सीधे उधारी लें, और एक है अदर लायबिलिटी। अदर लायबिलिटी में हमने देखा था कि सरकार के ऊपर डेट तो बढ़ रहा है, लेकिन ये ऐसी कमाई है, ये ऐसा डेट है जो सरकार ने आगे रहकर आम जनता से नहीं मांगा था, इसलिए इसे अदर लायबिलिटी में लिखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे द्वारा जमा पोस्ट ऑफिस में सेविंग्स अकाउंट में पैसे, प्रोविडेंट फंड में पैसे, एक्सेट्रा, दीज आर पार्ट ऑफ अदर लायबिलिटीज। और बोरोइंग्स मतलब सरकार आगे रहकर अपने खर्चे पूरे करने के लिए उधारियां उठाए, इसको हमने दो भागों में डिवाइड करा था, इंटरनल बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग। इंटरनल बोरोइंग 3 इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू गवर्नमेंट करती है, दैट इज गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल और वेज एंड मीन्स एडवांस। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में भी हमने पढ़ा था, जब 12 महीने से अधिक की उधारी उठानी हो तब सरकार फेस वैल्यू पे सिक्योरिटीज इशू करती है, जो भी इसने होल्ड करता है उन्हें सरकार इंटरेस्ट रेगुलरली पे करती है, और एक टर्म के बाद प्रिंसिपल रीपे कर देती है। ट्रेजरी बिल का कंसेप्ट देखा था हमने, जब 1 साल से कम अवधि की उधारी सरकार उठाना चाहे तो ट्रेजरी बिल इशू करती है। ट्रेजरी बिल्स आर इशूड एट अ डिस्काउंट फ्रॉम फेस वैल्यू बट आर रिडीम्ड, सरकार उन्हें वापस जब खरीदती है तब फेस वैल्यू पर खरीदती है। और तीसरा वेज एंड मीन्स एडवांस, जब टेम्प्ररी कैश का मिसमैच हो जाए, जैसे किसी फेस्टिवल के कारण गवर्नमेंट ने ज़्यादा खर्चे कर दिए, तब RBI छोटी अवधि मतलब 3 महीने तक के लिए सरकार को उधारी प्रोवाइड करता है, इट इज नोन एज वेज एंड मीन्स एडवांस। तो इन तरीकों से सरकार बोरोइंग्स रेस करती है, जो कि उस साल के लिए सरकार के लिए कमाई है, इसलिए हमने उसे रिसीट्स में पार्ट डिवाइड कर रखा है। रिसीट कौन सी? कैपिटल रिसीट, क्योंकि ये सारी आमदनी नीड्स टू बी रीपेड बैक समडे, दैट्स व्हाई इट इज अ डेट, एक उधारी है सरकार के ऊपर। एक और पहलू है कैपिटल रिसीट्स का, वो है नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, मतलब ऐसी आमदनी जो कि सरकार अपने एसेट्स बेच कर करे, चूंकि खुद के एसेट्स बेचे हैं, ये डेट क्रिएट नहीं कर रहा है। मूविंग फॉरवर्ड, सो वी हैव ऑल दिस थिंग्स विच आई हैव क्रॉस्ड, वी हैव सीन इन डिटेल। फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड वील बी सींग नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, दीज आर दोज रिसीट्स विच, दीज आर दोज आमदनी विच डू नॉट क्रिएट लाइबिलिटीज। नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, जब सरकार अपने एसेट्स बेच कर कमाई करे, फॉर एग्जाम्पल
disinvestment. In case of disinvestment, government sells a part of ownership of itself. For example, say, we have taken this example before also, we'll take it once again. For example, currently government is holding, say, 100% ownership in LIC, Life Insurance Corporation, के मान लीजिए 100 share हैं, हर एक share ownership दर्शाता है, मान लीजिए 100 share हैं, और 100 के 100 share are under the ownership of government. Now government wants to raise some money, सरकार को कमाई की ज़रूरत है, हो सकता है सरकार 10% हिस्सा या 10% shares आम जनता को बेच दे जो खरीदने के लिए interested है. इस तरीके से सरकार ने अपना 10% का मालिकाना हक आम जनता को बेच दिया. इसी चीज को हम कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट. क्योंकि डिसइन्वेस्टमेंट में आप आपके एसेट्स बेचकर कमाई कर रहे हैं, और जब एसेट्स बेचकर कमाई कर रहे हैं, इट इज नॉन डेट, ये कोई आपके ऊपर उधारी क्रिएट नहीं कर रहा है. तो इस तरीके से एसेट बेचकर की गई कमाई इज पार्ट ऑफ नॉन डेट कैपिटल रिसीट्स. इस बजट में सरकार ने एस्टिमेटेड फिगर दिया है कि लगभग 210,000 crore का गवर्नमेंट वुड बी डूइंग डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कैपिटल रिसीट्स, जो कि लगभग 4 lakh crore सरकार द्वारा अनुमानित है इस बजट में. उसमें से 210,000 crore गवर्नमेंट वुड बी अर्निंग थ्रू डिसइन्वेस्टमेंट. तो फर्स्ट पॉइंट, जहां से नॉन डेट कैपिटल रिसीट जनरेट होती है और सबसे बड़ा कमाई का जरिया, दैट इज डिसइन्वेस्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट शेयर्स इन पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, जो है सेकंड पॉइंट मेंशन्ड है. पब्लिक सेक्टर यूनिट्स मतलब सरकारी कंपनीज, PSUs. एक दूसरा तरीका जिससे नॉन डेट रिसीट्स में कमाई होती है, दैट इज रिकवरी ऑफ लोन प्रिंसिपल. सपोज दैट गवर्नमेंट हैज गिवन रुपीज, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज गिवन से रुपीज 100 ऑफ लोन टू MP गवर्नमेंट. इस 100 rupees के लोन पर MP गवर्नमेंट हर साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 10 rupees का ब्याज इंटरेस्ट पे कर रही थी. ये इंटरेस्ट एक रिअकरिंग आमदनी है. ये जो 10 rupees की कमाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हो रही थी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को किसी को भी रीपे वापस नहीं करना है. इसीलिए ये जो इंटरेस्ट की कमाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दिए गए लोन पर होती है, इट इज वी हैव सीन केप्ट अंडर रेवेन्यू रिसीट्स में, नॉन टैक्स रेवेन्यू के अंदर. लेकिन जिस साल मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ये प्रिंसिपल 100 rupees का प्रिंसिपल भी रीपे बैक कर देगी, उस साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इंटरेस्ट पर कमाई बंद हो जाएगी. चूंकि 100 rupees के प्रिंसिपल पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वॉज अर्निंग 100 rupees ऑफ इंटरेस्ट, दैट्स वाई दिस रुपीज 100 प्रिंसिपल वॉज अ सॉर्ट ऑफ एसेट. द डे MP government repays back this principal, this asset gets destroyed. या फिर government of India loses this asset and earns back the principal of rupees 100. That's why whenever principal comes back, it is recorded under capital receipts, mein non-debt receipt. Why? Because definition of capital receipt is ki when you sell off your asset and earn something. That's why coming back of principal is part of non-debt capital receipts. ऐसे ही एक और non-debt capital receipt कमाने का तरीका कि जब सरकार अपने assets जैसे जमीनें, फैक्ट्री, व्हीकल्स,
बेच दे और उससे कमाई करें. सो इन दिस ईयर्स बजट गवर्नमेंट हैज एस्टिमेटेड कि वी विल अर्न अबाउट 4 लाख करोड़ रुपीज फ्रॉम दी टोटल कैपिटल रिसीट्स. उसमें से लगभग 2,10,000 करोड़ वुड बी अर्न बाय प्योर डिस इन्वेस्टमेंट, मतलब सेलिंग दी शेयर्स ऑफ दी गवर्नमेंट ओन्ड कंपनीज. वन पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज जो भी डिस इन्वेस्टमेंट से गवर्नमेंट पैसा कमाती है, इट इज केप्ट अंडर नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड विच इज अंडर पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया. नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड्स एंड पब्लिक अकाउंट्स ऑफ इंडिया मीन्स कि डिस इन्वेस्टमेंट से कमाए गए पैसे को खर्च करने के लिए पार्लियामेंट से मंजूरी की आवश्यकता गवर्नमेंट को नहीं है. सो दिस इज अबाउट नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स. मूविंग फॉरवर्ड कुछ डेटा पॉइंट देख लेते हैं. एज आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन कि इस बजट अनुमानित है टोटल कैपिटल रिसीट्स 8 लाख करोड़ होने की. उसमें से जो इंटरनल डेट है, ओ सॉरी आई जस्ट मिस्टुक इट. टोटल कैपिटल रिसीट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 10.5 लाख करोड़. इसमें से 8 लाख करोड़ इस इंटरनल डेट. वी हैव सीन दिस इन द प्रीवियस स्लाइड. कैसे 8 लाख करोड़? लगभग 5.5 लाख करोड़ गवर्नमेंट वुड बी टेकिंग दी बोरोइंग्स, उधारी लेगी, और लगभग 2.5 लाख करोड़ इज अदर लाइबिलिटीज, जैसे सेविंग्स अकाउंट, पेंशन फंड में जमा पैसा. दिस इज द डेट पार्ट. दूसरा नॉन डेट पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट है 2.5 लाख करोड़ फ्रॉम नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स. इस 2.5 लाख करोड़ में से 2,10,000 करोड़ इज एस्टिमेटेड, दैट इज द लार्जेस्ट पार्ट इज एस्टिमेटेड टू कम फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट. ओवरऑल द टोटल कैपिटल रिसीट्स आर एस्टिमेटेड टू बी 10.5 लाख करोड़. विल जस्ट गो बैक एंड रिवाइज सम मोर फिगर्स. ग्रॉस रेवेन्यू रिसीट 29 से 28 लाख एस्टिमेटेड थी, वो जो टैक्स और नॉन टैक्स से मिलकर आ रही थी. इसमें से 8 लाख करोड़ वर टू बी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, क्योंकि उनका भी टैक्स में हिस्सा बनता है. तो कुल मिलाकर जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास नेट रेवेन्यू रिसीट्स अनुमानित है वो है 20 लाख करोड़. नेट रेवेन्यू रिसीट 20 लाख करोड़ है, कैपिटल रिसीट 10.5 लाख करोड़ है. दैट इज वी कैन से द नेट रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कुल मिलाकर खर्चा करने योग्य आमदनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जेब में पहुंच रही है, दैट इज द सम ऑफ कैपिटल रिसीट्स एंड नेट रेवेन्यू रिसीट्स. दैट इज कैपिटल रिसीट्स इज 8 लाख करोड़ फ्रॉम इंटरनल डेट एंड राउंड अबाउट 2.5 लाख करोड़ फ्रॉम नॉन डेट जनरेटिंग रिसीट्स, दैट इज 10 लाख करोड़ प्लस 20 लाख करोड़ ऑफ नेट रेवेन्यू रिसीट. कुल मिलाकर नेट रिसीट इज 30 लाख करोड़ विच गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैन स्पेंड. ये अनुमानित है बजट 2020 में. आई होप यू गॉट दिस फिगर्स. प्लीज पॉज द वीडियो एंड रिवाइज इफ देयर इज एनी कंफ्यूजन. एंड टुवर्ड्स द लेट एंड ऑफ लेक्चर वी ऑल्सो वंस अगेन सी द थिंग्स, रिवाइज इट. तो बजट में रिसीट्स वाले पार्ट में हमने रेवेन्यू पार्ट कर लिया, कैपिटल पार्ट कर लिया. विल अगेन सी इट, वी विल रिवाइज इट थ्रू वन डायग्राम. We have divided budget into two parts, receipts and expenditure. अभी हमने expenditure वाला part नहीं देखा है. Receipts को फिर हमने दो part में divide करा, revenue receipts और capital receipts. Revenue receipts लगभग 20, please also have a look at the figures. Figures याद नहीं रखने हैं, लेकिन आगे हम deficits पढ़ेंगे, जैसे fiscal deficit, primary deficit, वो बहुत अच्छे से समझ आ पाएंगे if you are aware of these figures.
तो जो रेवेन्यू रिसीट्स अनुमानित है, नेट रेवेन्यू रिसीट्स, जो केंद्र सरकार के पास खुद के खर्चा करने योग्य राशि है, दैट इज अबाउट 20 लाख करोड़। रेवेन्यू रिसीट्स दो हिस्सों से बनी है, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू। टैक्स रेवेन्यू लगभग 24 लाख करोड़, इंक्लूडिंग इनकम टैक्स, कॉरपोरेशन टैक्स, कस्टम एक्साइज, GST, एंड नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट, जैसे जो ब्याज सरकार ने कमाया, जो मुनाफा कमाया, जो फीस और फाइन्स हमने पे करी, 4 लाख करोड़। 24 + 4 = 28 लाख करोड़, लेकिन इसमें से 8 लाख करोड़ नीड्स टू बी गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट्स, दैट्स व्हाई नेट रेवेन्यू रिसीट्स 20 लाख करोड़। फिर हमने कैपिटल रिसीट्स की बात करी। कैपिटल रिसीट्स में दो हिस्से, डेट क्रिएटिंग, जो माथे पर लायबिलिटी क्रिएट करे, और नॉन डेट क्रिएटिंग। डेट क्रिएटिंग के फिर दो हिस्से, बोरोइंग्स, जब गवर्नमेंट खुद आगे रहकर उधारी ले, या अदर लायबिलिटीज। अदर लायबिलिटीज मीन सरकार के ऊपर डेट तो बढ़ रहा है, लेकिन ये ऐसी उधारी है जो सरकार ने खुद आगे रहकर नहीं ली है, जैसे जमा खाते, प्रोविडेंट फंड एक्सेट्रा। बोरोइंग्स के फिर दो पार्ट हमने देखे, इंटरनल बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग। इंटरनल बोरोइंग मतलब देश के अंदर से ही सरकार उधारी ले, दैट इज थ्रू गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ट्रेजरी बिल्स एंड वेज एंड मीन्स एडवांस। एक्सटर्नल बोरोइंग मतलब विदेशों से जाकर सरकार उधारी ले। ये ऑलमोस्ट हमारी उधारी का बहुत ही माइनर पार्ट, लगभग 40,000 करोड़ ही कंस्टिट्यूट करता है। जो मेजर पार्ट है वो है इंटरनल बोरोइंग्स, जो कि लगभग 5.5 लाख करोड़ है। अदर लाइबिलिटीज 2.5 लाख करोड़ है, मतलब जो सरकार के ऊपर डेट क्रिएट होने का अनुमान है इस बजट के अनुसार, वो है 8 लाख करोड़। ये 8 लाख करोड़ उधारी लेकर सरकार इस साल में कमाई करने वाली है, दैट्स वाई इट इज पार्ट ऑफ कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स का एक दूसरा पार्ट, दैट इज नॉन डेट क्रिएटिंग रिसीट्स, यहाँ पर सरकार अपने एसेट्स बेचकर कमाई करती है, जैसे डिस इन्वेस्टमेंट या फिर रिकवरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ द लोन। ये दोनों सरकार के लिए एसेट हैं, जब इन्हें बेचते हैं तो नॉन डेट क्रिएटिंग आमदनी होगी। दिस इज एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 2.5 लाख करोड़ फॉर राउंड फिगर आर अंडरस्टैंडिंग। आई हैव टेकन इट इन 2 लाख करोड़, नॉट 2.5। एक राउंड फिगर में देखें तो जो कैपिटल रिसीट से आमदनी होने की उम्मीद है वो है 10 लाख करोड़ इस बजट में। तो जो नेट रिसीट्स होगी इस सरकार की इस बजट के अनुसार, ये 20 लाख करोड़ प्लस ये 10 लाख करोड़, दैट इज 30 लाख करोड़। सो दिस इज अबाउट द रिसीट्स पार्ट। नेक्स्ट वी आर मूविंग टूवर्ड्स द एक्सपेंडिचर पार्ट, हम सरकार के खर्चों के बारे में चीजों को समझेंगे। जैसे आमदनी को दो हिस्सों में डिवाइड करा था, कैपिटल और रेवेन्यू, ऐसे ही खर्चों को भी दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। नाउ जो रोजमर्रा के सरकार के खर्चे होते हैं, डे टू डे एक्सपेंसेस ऑफ गवर्नमेंट, एंड विच आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डायरेक्टली रिटर्न इनकम इन फ्यूचर, आर टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मान लीजिए 100 रुपए का लोन दिया, इस 100 रुपए के लोन से दे आर कंस्ट्रक्टिंग से अ फैक्ट्री। ये फैक्ट्री तो भविष्य में डायरेक्ट इनकम रिटर्न करेगी, लेकिन इस 100 रुपए के लोन पे जब सरकार को ब्याज पे करना है, ये ब्याज इज नॉट एडिंग एनीथिंग टू द फ्यूचर इनकम। जो फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट हो रही है वो प्रिंसिपल अमाउंट से कंस्ट्रक्ट हो रही है, ना कि जो ब्याज सरकार पे कर रही है इस लोन के बदले। चूंकि ये रिअकरिंग एक्सपेंस है, हर साल ब्याज पे करना है, प्लस ये ब्याज कोई ऐसा एसेट क्रिएट करके नहीं दे रहा है जो कि भविष्य में रेवेन्यू जनरेट करे। जो एसेट बन रहा है वो प्रिंसिपल के कारण बन रहा है, ना कि ब्याज के कारण, वो भी ब्याज जो हम पे कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस एक्सपेंस वुड बी अकाउंटेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में ऐसे एक्सपेंसेस आते हैं जो डे टू डे बेसिस पर होते हैं और जो भविष्य में डायरेक्टली कोई नई इनकम जनरेट करके नहीं देंगे, जैसे हम जो लिए गए लोन पर ब्याज पे करते हैं, या
जो अदर लाइबिलिटीज हमने बात करी थी, प्रोविडेंट फंड में जमा पैसा या डाकघर में हमारा जमा पैसा जिस पर सरकार हमें ब्याज देती है, इस सरकार के लिए कोई एसेट क्रिएट नहीं कर रहे हैं। ऐसे डिस्काउंट्स ऑन ट्रेजरी बिल, टेक्निकली डिस्काउंट्स आई हैव एक्सप्लेन, वी विल लुक एट इट वंस अगेन। एज यू माइट रिमेंबर कि ट्रेजरी बिल मान लीजिए 110 रुपये उस पर फेस वैल्यू लिखी है, लेकिन सरकार इसे डिस्काउंट पर आम जनता को बेच सकती है, दैट इज सेट ₹100। लेकिन जब सरकार इसे रिडीम करती है तो फेस वैल्यू पर रिडीम, मतलब जब जनता से सरकार इसे वापस खरीदेगी तो ₹110 पर खरीदेगी। ये जो ₹10 सरकार ने एक्स्ट्रा पे करे हैं, इसी को हम बोल रहे हैं डिस्काउंट ऑन ट्रेजरी बिल। इस पर किसी प्रकार का कोई, या इस ₹10 से सरकार किसी प्रकार से कोई एसेट क्रिएट नहीं कर सकती। सरकार अगर एसेट क्रिएट करेगी तो ये जो ₹100 प्रिंसिपल के तौर पर सरकार को मिले हैं उससे एसेट क्रिएट होगा। ये ₹10 तो सॉर्ट ऑफ ब्याज का खर्चा हो गया है, डिस्काउंट पर खर्चा हो गया गवर्नमेंट का, दैट्स वाई इट इज रिकॉर्डेड एज इंटरेस्ट पेमेंट। तो इंटरेस्ट पेमेंट्स आर पार्ट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही जब सरकार कोई सब्सिडी दे, सब्सिडी अगेन कोई डायरेक्ट इनकम गवर्नमेंट के लिए जनरेट नहीं करेंगी, जैसे सरकार फूड पर PDS राशन की दुकान पर सस्ते गेहूं चावल बेचती है उस पर दी जाने वाली सब्सिडी, यूरिया पर गवर्नमेंट सब्सिडी देती है, ऐसे ही फ्यूल, माइंड यू पेट्रोल डीजल पर सरकार सब्सिडी नहीं देती है, सरकार सब्सिडी देती है LPG पर। तो फ्यूल एक पार्ट है जिस पर गवर्नमेंट सब्सिडी देकर पैसे खर्चे करती है और ये रीअकरिंग एक्सपेंस है और ये कोई सरकार के लिए एसेट क्रिएट नहीं करता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के कुछ हमने हेड्स देखे, इंटरेस्ट पेमेंट और सब्सिडीज। मूविंग फॉरवर्ड, कुछ दूसरे एक्सपेंसेस जैसे सैलरीज और पेंशन। सैलरीज आर रीअकरिंग एक्सपेंस और वो डायरेक्टली एसेट क्रिएट नहीं करते, इनडायरेक्टली करते हैं, दैट्स व्हाई दे आर रिकॉर्डेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऐसे ही पेंशन, बिना काम के बदले सरकार पेंशन पे करती है, दैट इज अगेन अ रीअकरिंग एक्सपेंस विदाउट एनी क्रिएशन ऑफ एसेट। ऐसे कुछ खर्चे, कुछ सैलरी और पेंशन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, हम पढ़ चुके हैं कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पर चार्ज्ड होते हैं, जिनसे मतलब कि ऐसी सैलरी और पेंशन देने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे राष्ट्रपति की सैलरी पेंशन, लोकसभा स्पीकर की सैलरी पेंशन, UPSC के खर्चे, ऑल दीज आर चार्ज्ड एक्सपेंसेस ऑन कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। इन्हें खर्चा करने के लिए पार्लियामेंट की मंजूरी की आवश्यकता नहीं होती है, एंड दीज आर ऑल्सो रिकॉर्डेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। यू माइट आस्क कि अभी तक तो हमने पढ़ा था कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च कर, बिना पार्लियामेंट की मंजूरी के कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से पैसा खर्च नहीं किया जा सकता। देर आर सम एक्सेप्शंस लाइक अ फ्यू विच आई हैव जस्ट मेंशन। Why it is so, you will read further in your polity classes. Moving forward, ऐसे ही एक और चीज जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड की जाती है वो है जो केंद्र सरकार राज्यों को ग्रांट्स देती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिव्स ग्रांट्स टू स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरीज जनरली थ्रू टू वेज। वन इज ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बताता है कि आप राज्यों को इतने इतने अमाउंट की ग्रांट्स पे करेंगे, और दूसरा तरीका जब केंद्र सरकार राज्यों को ग्रांट्स पे करती है, दैट इज थ्रू इट्स ओन डिस्क्रिशन, अपने विवेक पर। हर बजट में केंद्र सरकार बोलती है कि हम राज्यों को इतना पैसा देंगे, जैसे इस बजट में अनुमानित है कि लगभग 1.5 लाख करोड़ वुड बी गिवन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज ग्रांट्स। ग्रांट्स इज डिफरेंट फ्रॉम लोन्स। लोन्स के केस में स्टेट गवर्नमेंट नीड्स टू पे बैक टू सेंट्रल गवर्नमेंट। ग्रांट्स के केस में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक बार दे दिया, उसके बाद स्टेट्स को वापस पे करने की आवश्यकता नहीं है। तो इस बजट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने अनुमान करा है कि 1.5 लाख करोड़ रुपया फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशन पर
हम राज्यों को उनकी पंचायत और म्यूनसिपैलिटी के डेवलपमेंट के लिए प्रोवाइड करेंगे. इट इज नॉट क्रिएटिंग एनी एसेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, इट माइट क्रिएट एसेट्स फॉर स्टेट गवर्नमेंट. तो सेंट्रल गवर्नमेंट के खर्चों में जब ये खर्चा रिकॉर्ड होगा तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पर रिकॉर्ड होगा. ऐसे ही रोड का मेंटेनेंस, बिजली का मेंटेनेंस, ये सारे रीअकरिंग खर्चे हैं दैट विल बी रिकॉर्डेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और केंद्र सरकार अगर किसी दूसरी विदेशी सरकार को कोई ग्रांट देती है, सहायता स्वरूप राशि देती है, तो दैट विल ऑल्सो बी रिकॉर्डेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इससे हमारा खुद का कोई परमानेंट इनकम यील्डिंग एसेट नहीं बन रहा. कुछ प्रोमिनेंट रेवेन्यू एक्सपेंसेस के खर्चे जो टॉप 5 खर्चे हैं केंद्र सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के, आई हैव जस्ट मेंशन. सबसे बड़ा खर्चा है इंटरेस्ट. जो आपने लोन लिए हैं वो आपके कैपिटल रिसीट्स में आमदनी के तौर पर रिकॉर्डेड है. इस लोन पर आप जो हर साल ब्याज पे करते हैं दैट इज रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, वो आपका खर्चा है. और कौन सा एक्सपेंस? रेवेन्यू एक्सपेंस, क्योंकि रिअकरिंग एक्सपेंस है. और ब्याज पर खर्चा करके आप कोई एसेट नहीं बना रहे, आप जो एसेट बना रहे हैं वो आपने जो लोन लिया है उसके प्रिंसिपल को स्पेंड करके बना रहे हैं, ना कि ब्याज पर. तो ब्याज का खर्चा इज रीअकरिंग एक्सपेंस विच डज नॉट क्रिएट एनी इनकम यील्डिंग एसेट फॉर फ्यूचर, दैट्स व्हाई इट इज रिकॉर्डेड अंडर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. और ये सिंगल मोस्ट बिगेस्ट एक्सपेंडिचर है सेंट्रल गवर्नमेंट का. तो इंटरेस्ट पेड ऑन लोन लगभग 7 लाख करोड़ इस बजट ईयर में गवर्नमेंट का अनुमान है गवर्नमेंट वुड बी स्पेंडिंग. दूसरा है ग्रांट्स गिवन टू स्टेट, जैसा मैंने अभी बताया लगभग 1.5 लाख करोड़ लोकल बॉडीज, पंचायत, म्यूनसिपैलिटीज के डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी प्रोवाइडिंग ग्रांट्स. अनुदान, लोन नहीं है, अनुदान है कि ले लो, वापस चुकाने की जरूरत नहीं है. सेंट्रल गवर्नमेंट वुड बी गिविंग टू स्टेट गवर्नमेंट्स. और लगभग 0.5 लाख करोड़ रुपीज वुड बी प्रोवाइडेड एज अदर डिस्क्रिशनरी. सेंट्रल गवर्नमेंट अपने विवेक के अनुसार अलग अलग राज्यों को कुछ कुल मिला के 0.5 लाख करोड़ रुपीज की ग्रांट्स प्रोवाइड करेगी. कुल मिलाकर 2 लाख करोड़ रुपए की ग्रांट प्रोवाइड करी जाएगी राज्यों को. सब्सिडीज के 3 बड़े हेड हमने अभी देखे. सबसे पहला था फूड, फिर फर्टिलाइजर और फिर फ्यूल. कुल मिलाकर 2.5 लाख करोड़ रुपए इस वित्त वर्ष में सरकार का अनुमान है कि दे विल बी स्पेंडिंग ऑन सब्सिडीज. 3.5 लाख करोड़ डिफेंस पर खर्चा होगा और सैलरी और पेंशन पर 2 लाख करोड़. इस तरीके से जो 5 टॉप एक्सपेंसेस मैंने बताए, ऐसे और कुछ 1000 एक्सपेंसेस हैं जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का पार्ट है. कुल मिलाकर इस बजट में सरकार का अनुमान है कि इस साल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पर लगभग 26 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे. नाउ देयर इज वन क्वेश्चन दैट माइट बी अराइजिंग कि जो रेवेन्यू रिसीट थी, मतलब जो टैक्स और नॉन टैक्स से आमदनी थी, वो थी 20 लाख करोड़, लेकिन सरकार रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तौर पे जो खर्चा कर रही है वो है 26 लाख करोड़. मतलब सरकार अपनी आमदनी से अधिक खर्चा कर रही है. और ये जो आमदनी से अधिक खर्चा होता है इसी को हम रिकॉर्ड करते हैं डेफिसिट के तौर पर. चूंकि ये रेवेन्यू हेड के कैलकुलेशन की बात है इसलिए इसे हम बोलेंगे रेवेन्यू डेफिसिट. दैट इज नथिंग बट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माइनस रेवेन्यू रिसीट. तो 6 लाख करोड़ के आसपास सरकार का रेवेन्यू डेफिसिट रहने की उम्मीद है. अब ये कई बार रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट हम आगे एक बार और देखेंगे. दीज आर रिप्रेजेंटेड एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी. तो इंडिया की जीडीपी हम मैंने राउंड फिगर में लिया है, इट मे बी एनीवेयर बिटवीन 230 लाख करोड़ टू 275 लाख करोड़ डिपेंडिंग ऑन विच एजेंसी यू आर टेकिंग इन टू अकाउंट फॉर जी डी पी कैलकुलेशन. मैंने राउंड फिगर में लिया है 250 लाख करोड़ है भारत की जी डी पी. तो ये 250 लाख करोड़ भारत की जी डी पी है और रेवेन्यू डेफिसिट है 6 लाख करोड़. मतलब एज अ परसेंटेज ऑफ जी डी पी हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हो गया लगभग 2.4% ऑफ जी डी पी. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट प्लेन मैथमेटिक्स कि 250 लाख करोड़ की जीडीपी है और 6 लाख करोड़ का डेफिसिट है. तो 250 लाख करोड़ का कितना परसेंटेज होता है? दैट इज 2.4%. तो हमारा रेवेन्यू डेफिसिट हुआ लगभग राउंड अबाउट 2.5% ऑफ जीडीपी. दिस इज अबाउट रेवेन्यू एक्सपेंडिचर.
I hope you are able to understand. Please, while I'm explaining this video is running, please do one thing. Please keep noting down the points. This will make you better understand the things. तो यहाँ तक हमने बात करी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की. इन द अपकमिंग लेक्चर्स वी बी मूविंग टूवर्ड्स कैपिटल एक्सपेंडिचर. वी बी कीपिंग आवर लेक्चर ऑन बजट फॉर द डे टिल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. इन नेक्स्ट लेक्चर आई बी कमिंग आउट विथ रेवेन्यू विथ कैपिटल एक्सपेंडिचर. थैंक यू.